जी और उसकी उम्र भी बहुत कम है, 19 साल ही है उम्र, जी तो इंशाल्लाह वो 24 साल में डॉक्टर भी बन अच्छे जाएगा। मार्क्स से से जी ट्वेल्थ जी में भी जी अच्छे मार्क्स थे। और मुझे तो ऐसा लगता है अगर 11th 12th फाउंडेशन से करी होती पहली तो शायद बार पहली बार में ही जो है कर देता है 12th के ये अंदर में ही जो रमजान है। साहब का जो परिवार है जी शायद पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल है। जी 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 इनके हाँ मुझे याद है, हम लोग आप आए थे जो है कैरियर गाइडेंस आप इवेंट भी करने, आए थे उस तो प्रोग्राम में। सम्मानित किया था अफजल को, मुझे अभी भी याद है। जी जी अभी ये अब्दुल तो देखो बचपन से ही, ये चारों भाई मेरे पास ही वो फिदम स्कूल में, मैं चारों बच्चे रमजान साहब के सफल हैं, और भाई इससे बड़ी क्या सफलता हो सकती है ना? सही बात। जरूरी नहीं है चिरागों से रोशन हो घर, तालीम से भी रोशन घर होते हैं जो इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम सलाम। सेलिब्रेट सक्सेस एपिसोड के अगले व्लॉग में हम लोग पहुंचे हैं मंडावा, और मंडावा में अफजल मोम ने जो है नीट के अंदर में 720 में से 616 मार्क्स जो है हासिल किए हैं। तो हमारी टीम जो है पहुंची है उनके घर पे, मैं अफजल मोम और उनके पापा रमज़ान मोम से भी आपको रूबरू कराऊंगा, और इनके पूरे परिवार से मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनके परिवार में सीए भी है और डॉक्टर भी है और अभी रेलवे में सर्विस भी कर रहे हैं। और अब जो है अफजल ने एक और अचीवमेंट उसी कड़ी के अंदर में जो है नीट के अंदर में सफलता पा के जो है हासिल की है। मेरे साथ अफजल है। अफजल आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम अफजल, और मैंने 10वीं तक मंडावा से और फिर 11वीं 12वीं मंडावा से की थी। ठीक है, कौन से स्कूल में थे आप? 10वीं तक तो मुफ्तियाम पब्लिक स्कूल से। ठीक है, 11वीं और 12वीं में राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा से। ठीक है, 10वीं में क्या स्कोर था आपका? 10वीं में मेरा 93 स्कोर था। 93%, बहुत बड़ी बात। अभी नीट में क्या स्कोर है आपका? नीट में मेरा स्कोर है 616। रैंक अगर मैं पूछूं तो रैंक कितने? 20,323 रैंक है मेरी, ऑल इंडिया रैंक 20,323 रैंक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कितने बच्चे करीबन बैठते हैं इस एग्ज़ाम में, नीट के अंदर एग्ज़ाम में? इस साल तो करीब 22 लाख के करीब बैठे हैं। ओके, तो 20-22 लाख जिस पेपर में बैठते हों उसके अंदर में 20,000 रैंक लेके आना, इट्स लाइक टॉप 1%, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी कम्युनिटी के लिए या ऐसे भी ओवरऑल अगर आप देखो। अभी कहाँ से आप तैयारी कर रहे हो? कर रहे थे मतलब जैसे एलन सीकर से। ठीक है, और 12th आपने कौन से सन में की थी? 12th मैंने 2021 में की थी। 2021 में की थी, ठीक है। तो पिछले साल आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी और इस बार जो है आपने एलन सीकर से क्लासरूम स्टूडेंट थे आप। अफजल के पापा रमजान साहब भी मेरे साथ में मौजूद हैं, और रमजान साहब आपके परिवार के बारे में, शिक्षा का एजुकेशन स्टेटस जो है उसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं आप। मेरे जनाब पहला 83 में मैंने खुद पीजी किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से। ठीक है, एमकॉम किया, और उसके बाद मैं कहीं सर्विस करने के बजाय मैंने ये सोचा कि मैं अपना व्यापार करूं। ठीक उसमें है, लग गया जी। और अल्लाह ताला ने मुझे चार बच्चे नवाजे हैं जी, और चारों लड़के हैं, उनमें सबसे बड़ा लड़का है डॉक्टर इमरान मोम, जो आयुष डॉक्टर है, चिकित्सा अधिकारी सांचौर में पोस्टेड है। ओके, और उसके बाद दूसरे नंबर का जो बेटा है वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जी समीर मोम जी, जी, जी। वो आजकल जैनपैक्ट कंपनी उसने ज्वाइन कर रखी है जयपुर की। ओके, और वहाँ काम करता है जी। और तीसरा मेरा बेटा है मोहम्मद अनीस जी, और उसने रेलवे में कामयाबी हासिल की है, तो आजकल वो रेलवे में अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, सर्विस कर रहा है जी, जी। और चौथा मेरा छोटा छोटा बेटा मोहम्मद अफजल मोम, उसने अभी जो नीट क्रैश किया है जी जी, 616 नंबर उसने हासिल किए हैं जी जी। ये मेरा परिवार का, तो ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ कि एक ही परिवार से आप देख सकते हो कि CA भी उस समाज के अंदर में, CA भी उस परिवार ने दिया है, डॉक्टर भी ऑलरेडी इनके परिवार में है, एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है। तो ये सच में जो है आपकी फ़िक्र को दर्शाता है कि आप एजुकेशन के लिए कितना सीरियस हैं, मैं तो यही कहूँगा एक्चुअली। जी जी, बात आपकी बिल्कुल सही है सर जी। कि लेकिन सबसे बड़ी बात जो है बच्चों को मौका देना जी जी, और बच्चों पर एतमाद और कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ बच्चे सब बराबर हैं जी, और बच्चे कहीं कहीं अपने मुस्लिम बच्चों में भी कहीं काबिलियत की कोई कमी नहीं है, उनके मौक़ों की ज़रूरत है जी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा समाज में, आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी बच्चों में जो देखी जा रही है सोशल मीडिया की जी जी, तो उससे मैं ये सबको आगाह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इससे बचाएं। तो अमीर समसाद साहब जाबा सर से जो है चल के आए हैं मंडावा अफजल को मुबारकबाद देने। अमीर साहब क्या कहना चाहेंगे मंडावा के अंदर में? आई थिंक वैसे तो ये नीट का तो शायद सबसे ज़्यादा स्कोर आपका ही होगा मुस्लिम समाज में, तो मेरे हिसाब से नाम है,
तो एक एक ही सिलेक्शन वैसे मानता हूँ कि गवर्नमेंट सीट के लिए जो है इसी का सिलेक्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बड़ी खुशी हुई जी जी, खास करके मोम साहब के परिवार की एजुकेशन पृष्ठभूमि देख के जी, जी जी आप खुद भी उस जमाने के पोस्ट ग्रेजुएट हैं जी, जब हमारे बच्चे दसवीं को ही पोस्ट ग्रेजुएशन समझते थे जी, उस जमाने में पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज से जी, बड़ी बात थी। तो जो कहते हैं ना, जरूरी नहीं है चिरागों से रोशन हो घर, तालीम से भी रोशन घर होते हैं। जो इन्होंने आज यहाँ करके दिखाया है, चारों ही बच्चे और आला दर्जे की तालीम, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है और चौथा भी डॉक्टर बना है, रेलवे में मुलाजिम है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मैसेज आपके थ्रू समाज को, कौम को भी देना चाहूँगा, बच्चों को पढ़ाएं और घर परिवार समाज मुल्क को आगे बढ़ाएं। मैं भी स्पेशल आज रमजान साहब, रमजान मोम साहब के पास में आए, जब बात की कि भाई चार बच्चे हैं, तो मेरे को मन मतलब एक स्पेशल अटैचमेंट यू आया, यार मेरे भी चार बच्चे हैं और रमजान साहब के चार बच्चे हैं, चारों बच्चे रमजान साहब के सफल हैं, और भाई इससे बड़ी क्या सफलता हो सकती है, है ना? जिनका कोई बड़ा बेटा डॉक्टर है, एक CA साहब है, एक रेलवे में है और चौथा बेटा डॉक्टर जो अल्लाह के करम से बनने जा रहा है, क्योंकि चौथा बेटा मेरा भी उस बच्चे के 16 है, मेरे बच्चे 613 है, तो कहीं ना कहीं मतलब शानदार सफलता की किरण है आभास, क्योंकि आभास। इसके अलावा मेरे साथ में अफजल के बड़े भाई समीर मौजूद हैं, समीर खुद भी CA हैं। समीर, आज आप क्या करना चाहते हो छोटे भाई के? सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया कि आप सब लोग घर पे आए हौसला अफजाई के लिए जी जी। और अफजल मेरा छोटा भाई है जी, उसने नीट में अभी सफलता मिली है नीट में जी, और उसकी उम्र भी बहुत कम है, 19 साल ही है उम्र जी, तो इंशाल्लाह वो 24 साल में डॉक्टर भी बन जाएगा जी जी जी, बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि इसको मैं बोलता हूँ कि कामयाबी जल्दी मिली है, क्योंकि कई बच्चे नीट में तीन तीन चार चार साल भी लगाते हैं जी जी, तो और जी बहुत जल्दी कामयाबी मिली और जल्दी इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगा जी, और शुरू से स्टूडियस है, 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, 12th में भी अच्छे मार्क्स थे, और मुझे तो ऐसा लगता है अगर 11th 12th फाउंडेशन से करी होती तो शायद पहली बार में ही जो है कर देता है, 12th के अंदर में ही जो है जी जी जी। इसके अलावा मेरे साथ में फारूक साहब भी हैं, फारूक साहब आप क्या कहना चाहेंगे अफजल की कामयाबी पे? ये अफजल तो देखो बचपन से ही, चारों भाई मेरे पास ही, और फिर स्कूल में मैं व्यवस्था कर रहा हूँ शुरू से ही जी जी, और ये बच्चे बचपन से ही मेरे पास रहे, तो ब्रिलियंट थे बचपन से ही जी जी, बहुत होशियार थे चारों भाई, होशियार थे जी जी, रमजान साहब भी जुड़े हुए हैं संस्था से, तो ये भी बड़ी बात है कि मुफीद आम से पढ़ के जो है बच्चे आज कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, CA बन रहा है और डॉक्टर बन रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने शायद दसवीं तक पढ़ाई करी है मुफीद? हाँ, दसवीं तक ही थी स्कूल जी, 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 पहले आप तो सीनियर किए जी जी, दसवीं तक थी और दसवीं तक ही बच्चे पढ़े सब जी जी, और सब ने अच्छा स्कोर किया दसवीं में और टॉपर रहे जी, अभी 93% इसी का था दसवीं क्लास में जी जी, अफजल का जी जी। हाँ, मुझे याद है हम लोग आए थे जो है केरे गार्डन इवेंट करने, तो सम्मानित किया था अफजल को, मुझे अभी भी याद है जी जी जी। इसके अलावा मेरे साथ में इमरान भाई भी मौजूद हैं, इमरान भाई मंडावा में, वैसे मैं तो बोलता हूँ कि मेरा फ़र्स्ट इंट्रैक्शन मंडावा में इमरान भाई से ही था एजुकेशन के लिए, और हमने कई बार इवेंट्स भी करे, इमरान भाई काफ़ी एक्टिव भी हैं मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान भाई आप क्या कहना चाहेंगे अफजल की कामयाबी पर? अल्हम्दुलिल्लाह मंडावा के लिए एक अच्छी खबर है कि नीट के अंदर अफजल का जी, आई थिंक मंडावा में अभी इसका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, इससे पहले के कोई नीट में सिलेक्शन हुआ? नहीं, अपने समाज में, अपने समाज, हाँ मुस्लिम समाज की बात करो, इस साल का, इस साल का जी जी जी, इस साल का नहीं, पहले भी कोई सिलेक्शन नहीं, कोई भी, फर्स्ट सिलेक्शन यही है, फर्स्ट सिलेक्शन है नीट का, तो वो बहुत बड़ी बात है जी जी जी। और ये रमजान साहब का जो परिवार है जी, शायद पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल है जी जी, इनके अगर तर्ज पे चला जाए तो शायद सभी के परिवार के बच्चे ऐसे सफलता मिलती रहेगी जी जी, इनकी तर्ज पे चले दो इंशाल्लाह जी। और दूसरा एक मेरी कंप्लेन है, वो मैं इसी वीडियो में कर देता हूँ, कि जिस तरीके से आप लोगों ने करियर गाइडेंस इवेंट या मतलब कोशिश करी पहले मंडावा में, दो तीन साल हमने कंटिन्यूसली करे, तो उसको थोड़ा कंटिन्यूशन को वापस बनाए, थोड़ा कोशिश करें इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। बीच के अंदर ये हो गया था कि कोरोना की वजह से जी जी काफी अस्त व्यस्त हुआ मामला जी जी, वापस ट्रैक पे आएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरे साथ में मंडावा से नवाब साहब हैं, जो वाइस चेयरमैन भी हैं यहाँ के। नवाब साहब आप क्या कहना चाहते हैं अफजल की कामयाबी पे? बहुत खुशी की बात है, मंडावा और समुदाय खासकर मुस्लिम समाज का बच्चा जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर
अब MBBS की तैयारी करेगा जी, और एक डॉक्टर बनकर आएगा जी, और समाज की सेवा करेगा जी, राजस्थान की सेवा करेगा और देश की सेवा करेगा और अपने समाज का लड़का करेगा, ये बहुत खुशी की बात है। अफजल मोम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनसे ज़्यादा इनका सबसे बड़ा इसकी कामयाबी में योगदान है इनके पिताजी जी, जो हमारे मुफीदियाम स्कूल के सेक्रेटरी भी रहे हैं, वर्तमान में ये कोषाध्यक्ष है, लेकिन एजुकेशन के मामले में ये कोई तरह का समझौता नहीं करते अपने बच्चों के लिए जी। जी, दूसरा एक मैं और, जैसे आप एज ए इसके बड़े भाई भी हैं, आप समाज के दूसरे लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से अफजल ने जिस तरीके से कामयाबी हासिल की है, वैसे ही दूसरे और क्या करें जिसकी वजह से वो भी आपके जैसा या आपके परिवार के जैसा कुछ हासिल कर सके जी। अपने समाज में यही कमी है कि मतलब जो संगत है ना वो अपनी अच्छी रखेंगे, किसी को देख कर सीखेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते अचीव हैं, कर सकते हैं। जी जी, बहुत वैलिड पॉइंट है कि संगत से जो है बहुत असर होता है, संगत अच्छी रखेंगे जी और मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी जी।